हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग देखेंगे मिसलेनियस चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 11 और 12, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी बोर्ड में काफी बार पूछे गए हैं। देखो बच्चों, 11 में कह रहा है टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स बराबर साबित करना है पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2 कॉस इनवर्स एक्स। तो देखो बच्चों, यहाँ पे 1 प्लस एक्स है। अगर हम एक्स को कॉस थीटा या कॉस टू थीटा मानेंगे तो फार्मूला बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा या फिर 1 प्लस कॉस टू थीटा का, ठीक है। तो जो भी आपको सुविधा लगे मान सकते हैं। जैसे मान लिया मैंने लेट x बराबर कॉस थीटा ही मान लिया, चलो तो यहाँ पे थीटा क्या निकल जाएगा, कॉस इनवर्स x। तो लास्ट में थीटा की जगह पे हम लोग कॉस इनवर्स x पुट कर देंगे। अब क्या करो, आप LHS ले लो। तो LHS में देखो क्या है, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस x माइनस अंडर रूट 1 माइनस x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा बच्चों ये, और ये 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। नीचे देखो, अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा, ओके। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा देना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाना, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय, फिर से फॉर्मूला लगेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ओके। अब देखो सब में क्या करोगे, रूट 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो। तो देखो ये रूट 2 कॉस थीटा बाय 2 आएगा माइनस रूट 2 साइन थीटा बाय 2 आएगा, इसका तो निकल जाएगा ना स्क्वायर रूट। फिर ये देखो रूट 2 कॉस थीटा बाय 2 प्लस रूट 2 साइन थीटा बाय 2, ओके। तो ध्यान दीजिएगा, अब क्या करोगे, रूट टू सब ऊपर नीचे कैंसिल कर दो। तो टेन इनवर्स कॉस थीटा बाय 2 माइनस कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2, और नीचे हो जाएगा बच्चों कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2, कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2। अब देखो ऊपर नीचे क्या करने का ना, कॉस से डिवाइड कर देने का, ठीक। तो देखो क्या करेंगे, कॉस थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाय 2, फिर से देखो कॉस थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाय 2। देखो जब भी इस तरह का फॉर्मेट देख रहे हैं ना, तो ऊपर नीचे कॉस या साइन से डिवाइड करने का सोचना, इससे सवाल आसान हो जाता है। देखो इससे ये गया तो 1 और ये हो जाएगा टेन थीटा बाय 2, यहाँ इससे ये गया तो 1 और ये हो जाएगा प्लस टेन थीटा बाय 2। तो देखो टेन इनवर्स, अब ये भी एक फार्मूला पे बैठ रहा है, ठीक है। देखो क्या मैं करूंगा, इसको टेन पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 कर देंगे, ठीक है। अब देखो क्यों ऐसा करेंगे, आप इसको मैं यहाँ पर रफ में पहले बना के दिखा देता हूँ। देखो टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होगा, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है। तो देखो टेन पाई बाय 4 1 होगा, 1 माइनस टेन थीटा बाय 2 और ये 1 प्लस 1 इंटू टेन थीटा बाय 2 हो जाएगा। देखो इसको फॉर्मूला पे लिखोगे तो वापस वही चीज आ जाएगा ना, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ओके। चलिए तो ये टेन वर्स टेन थीटा बाय टेन वर्स टेन थीटा थीटा, तो पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, तो पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2 और थीटा का मान देखो कॉस इनवर्स एक्स है, तो लिख देंगे यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स। यही हमें LHS लाना था प्रूफ करके, ओके। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, नोट करेंगे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत आसान सवाल है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए 12 में हमें साबित करना है इतना बराबर ये होगा, तो हम क्या करेंगे ना, क्वेश्चन को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। तो 9 पाई बाय 8 बराबर माइनस 9 बाय 4 साइन इनवर्स 1 बाय 3 बराबर देखो क्या है, 9 बाय 4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 बाय 3। अब देखो 9 पाई बाय 8 को ना आप इधर ही रहने दो और इसको राइट साइड में ले जाओ, ये 9 बाय 4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 बाय 3 तो होगा, और ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा 9 बाय 4 साइन इनवर्स 1 बाय 3।
देखो 9/4 इसमें हम लोग कॉमन लेके ना दोनों तरफ 9/4 को कैंसिल कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3। देखो 9 से 9 या 4 टू जब 8, इसलिए क्वेश्चन का रीअरेंज फॉर्म क्या हो गया, साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3 बराबर π/2। तो क्वेश्चन में इस तरह का रीअरेंज हम लोग कर सकते हैं। अब क्या करो, LHS लो T, इसको अगर पहले इसको पहले लिखते π/2 और इससे लिखते तो RHS लेते। चलो LHS लिए तो LHS में देखो क्या है, साइन इनवर्स 2√2/3 और ये हो जाएगा बच्चों साइन इनवर्स 1/3। अब मैंने आपको साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला बताया। देखो बच्चों साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या बताया है, साइन इनवर्स x इंटू √1 − y² प्लस y इंटू √1 − x²। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, साइन इनवर्स x, x की जगह 2√2/3 मान लेना, ठीक, √1 − y² तो 1 − 1/3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 1/3 इंटू √1 − x² तो 2√2/3 का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पे देखो एक स्टेप और लिखते हैं, साइन इनवर्स 2√2/3 और ये देखो बच्चों क्या होगा, 1 − 1/9, ये 1/3 और ये 1 − देखो 2√2 का 2 × 4 = 8/9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ध्यान देंगे, साइन इनवर्स 2√2/3 और ये देखो 9 में से 1 गया, ये 9 में से 1 गया तो 8/9 हो जाएगा, √8/9 प्लस 1/3 और ये देखो 9 में से 8 गया, 9 × 9 में से 8 गया तो 1/9। इसको क्या लिखोगे, साइन इनवर्स 2√2/3 और 8 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 2√2 और 9 का 3, ये 1/3 और 1/9 का 1/3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे, साइन इनवर्स 2 × 4 = 8/9 और यहाँ 1/9, तो साइन इनवर्स एलसीएम 9 तो 8 + 1 तो ये हो गया साइन इनवर्स 9/9। देखो बच्चों ये 1 हुआ तो साइन इनवर्स 1, अब 1 किसका वैल्यू होता है, साइन π/2 का वैल्यू होता है साइन में, नहीं तो साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा तो π/2, यही आपका RHS। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने क्वेश्चन को रीअरेंज किया था, आई होप समझ में आया होगा आपको। चलो नोट कर लेंगे। थैंक यू।